नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में अंतर डिसीजन लिया और बहुत सख्त डिसीजन लिया। काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की उत्तर प्रदेश की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए उनको भी काफ़ी, उनके प्रति भी सख्त रुख रखा, सीबीआई के प्रति सख्त रुख रखा। आखिरकार अपने फैसले में उसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टैंड लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें ये है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी रेप पीड़िता से संबंधित 5 मामले हैं उनको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि न्याय मिले। दूसरी बात ये कहा है कि 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा तत्काल रेप पीड़िता के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार दे। निचली अदालत के लिए तीसरी बात कहा है कि 45 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करे। तीन बात इसके अलावा ये कहा है कि जो रेप पीड़िता का परिवार है और जो वकील है उसको CRPF की सुरक्षा दी जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं जताया गया। आशंका चूँकि पहले व्यक्त की जा रही थी कि जो पीड़िता है उसके बारे में जानकारी उसके सुरक्षाकर्मियों ने ही लीक की थी, और 3 सुरक्षाकर्मी दिल्ली में उसके साथ रहते थे और 7 उन्नाव में, उसी में से किसी ने लीक किया लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनको जो है CRPF की सुरक्षा दी जाए। चौथी बात ये आई है कि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रेप पीड़िता और सड़क हादसे की जांच के लिए कितना समय चाहिए CBI को, तो उन्होंने कहा मांगा 1 महीने का समय, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 दिन का समय आपको दिया जाता है और यदि ज़रूरत हो तो इसे 7 दिन और बढ़ा सकते हैं, यानी कि सिर्फ 15 दिन। 15 दिन में आपको जाँच करके ये बताना है कि ये एक्सीडेंट है या ये साजिश का हिस्सा है, साजिश का नतीजा है। पांचवी बात यह है कि जो BJP के विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, उससे सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही कि अभी तक वो निलंबित चल रहे थे लेकिन अब उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। और छठी बात यह है कि जो 3 पुलिस वाले रेप पीड़िता के साथ दिल्ली में सुरक्षा पर तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी थी उसको सुरक्षा प्रदान करना पीड़िता को, उन्होंने सुरक्षा नहीं दी, लिहाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब और जो सातवीं बात आ रही है कि जो मामला दर्ज हुआ है कुलदीप सिंह सेंगर के और उनके और सहयोगियों के खिलाफ, उसमें जांच में तेजी लाने की बात है, उसको जल्दी से कंप्लीट करने की बात है। ये भी साथ में कहा है कि क्या उसको जो विक्टिम है उसको एयरलिफ्ट करके एम्स में ले आ करके अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है, इसको भी देखने की बात कही है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की जो प्रमुख हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके कहा है कि उसको इलाज के लिए हवाई मार्ग से दिल्ली लाने की मांग की है, उन्होंने भी मांग की है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां और सरकार की तरफ से, और तीसरी तरफ जितने भी राजनीतिक दल हैं चाहे महिला आयोग हैं उनकी तरफ से जब भारी दबाव बना है, तब अब ये उम्मीद जगी है कि शायद जो है देर से सही या सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद सही उन्नाव रेप पीड़िता को जो है न्याय मिलेगा क्या, इस पर जो है देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो उसने बहुत पहले गुहार लगाई थी, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जाके सुनवाई हुई है। बहरहाल जो लखनऊ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से खबर आ रही है वो खबर ठीक नहीं है, और दोनों की हालत यानी कि जो विक्टिम है और जो वकील है दोनों की हालत गंभीर बताई जाती है। वेंटिलेटर पर रख के और फिर उसे हटा करके देखा जा रहा है कि क्या सर्वाइव करने की स्थिति में है, तो स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, और जो भी इसमें अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।